ये सोहर अवध में गाया जाता था बहुत पहले, अब तो ये सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक धुन है अपने देश के आज़ादी के पहले, जब बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी और लड़के भी कभी कभी घर छोड़कर चले जाते थे, क्यों जाते थे ये कुछ पता नहीं रहता था। कुछ तो क्रांतिकारी बन जाते थे, कुछ कभी साधु बन जाते थे। तो वो जो पत्नी है, जब 12 बरस के उसके पति छोड़कर चले जाते हैं, तो वो अपने देवर से कहती हैं, 12 बरस के रंगीले पिया, 12 बरस के रंगीले पिया, निकरे विदेश गाए, निकरे विदेश गाए हो, अरे देवरा के करी ठहलिया में लाग्यो, अरे जिया राबू झामो, अरे जिया राबू झामो हो, अरे देवरा के करी ठहलिया में लाग्यो, अरे जिया राबू झामो, अरे जिया राबू झामो हो। देवर से कहती है कि हम, मेरा कौन सा सहारा है, मैं अपने जिया को कैसे समझाऊं। तो देवर कहता है, पहिरो ना मोरी भौजी झीने का पड़े, पहिरो ना मोरी भौजी झीने कपड़ा रे, उतारो ना मोटे कापड़ हो भौजी मोटे कापड़ हो। कहता है कि महीन कपड़ा, शायद वहाँ पे गांव में धोती पहनी जाती थी, सूती पहना जाता रहा होगा, और जो महीन कपड़ा यानी जो साड़ी पहनी जाती थी वो उसको महीन कपड़ा, झीना कपड़ा बोलता है। तो कहता है ये कपड़ा पहन लो, अपना वेश बदल लो। अरे पहिरो ना मोरी भौजी झीने कपड़ा, भौजी उतारो ना मोटे कपड़े हो, ना मोटे कपड़े हो, मोरी भौजी धरत्यो ना बेड़नी का रूपवा, भैया के भेरे लेते हो, भैया के भेरे लेते हो। बेड़नी होती है जो उस समय थोड़ा सा नाच नृत करती थी, गाना गाती थी, नौटंकी याद करती थी। तो वो देवर कहता कि तुम एक वेश बदल लो और चलो हम लोग भैया को खोजते हैं। तो गलिया ने देवरा हेरे, गलिया ने देवरा हो रे, अरे भौजी कतहू ना पावा हो भैया, रे पावा हो भैया हो। तब इधर उधर देखती है तो उसको अपना पति दिखाई पड़ता है। तो वो फिर कहती है, दूर से देखो रंगीला पिया, और क्योंकि देवर बाद में हुआ रहा होगा तो देवर तो बहुत पहचानता नहीं था, मगर वो पहचान जाती अपने पति को। तो कहती है, दूर से देखो रंगीला पिया, रे देवरा यही तो है तोहर भैया, रे हाँ तोहर भैया हो। अब देश बदल के दोनों जाते हैं और कहते हैं कि हमको नौकरी पे रख लीजिए, वहां पे उसके पास जाती हैं। अरे यही तो है मोरे राजा रंगीले, अरे राजा रख लेते हो हमारी नौकरिया, तन खिया नहीं लेबे, तन खुया नहीं लेबे हो, आटे महीनवा के बीतत नावे के लागत, नावा में के लागत हो, अरे भैया पतुरिया को लानिन, पतुरिया को लानिन हो, अरे दे देते हो राजा तनुकिया, घर हम जाबे घर हम जाबे हो। 9 महीने 8 महीने जब बीत गए
तो कहती है कि हमको मेरी तनख्वाह दे दीजिए। और तनख्वाह में मांगती क्या है, कटार वगैरह मांगती है, क्योंकि इस समय जंगली जानवरों का बहुत अटैक, बहुत आक्रमण रहता होगा, तो कटार कटारियां ये सब लेके लोग चलते थे। घर हमें जावे हो अरे राजा, दे देते हो हाथे के कटरिया, गले मोहन मलवा, गले मोहन मलवा हो अरे राजा, दे देते हो हाथे के अंगुटिया। घर हमें जावे, घर हमें जावे हो, तो दे दीन हाथे के कटरिया, गले के मोहन मलवा, गले के मोहन मलवार बहिनी, दे दीनी हाथे के अंगुटिया। घर हमें जावे, घर हमें जावे। अब वो घर अपने चली आती है। बार बारे से पियावा लौटे हैं देसवा, बारह बरस के बाद फिर उसके पति आ रहे हैं। बारह बारे से पियावा लौटे, बरैया तारे उतरे, बरैया तारे उतरे हो, बरैया मतलब गांव के पास कोई एक पेड़ होता है वहां पे उतरे। अरे और आके अपनी माँ से पूछता है वो लड़का, अरे माई यस जसवंती रानीवा, कैसे कैसे राखियो, कैसे कैसे राखियो हो। अपनी माँ से कहती है कि, कहता है वो कि हम पत्नी छोड़कर गए थे, बड़ी सुंदर थी और बड़ी सत्वंती थी, सत्वती थी, तो आपने कैसे रखा है। तो सासू तो बोले ना पाई, ननंद उठे बोले, ननंद उठे बोले, मोरे भैया आने के जन्म हो रिलवा भौजी, मोर दूलर भौजी, मोर दूलर हो। कहती है ननंद अपने भैया से कि देखिए आपको तो बच्चा हुआ, भाभी को तो बच्चा हुआ है और बड़ी दुलारी है हमारी भाभी। अरे हतवा में ली है सूते पुनिया हो, उस समय सूत वो चरखा चलाया जाता होगा, तो वो जो धना है वो सूत कात रही है। हतवा में ली है सूते पुनिया, तो धन तरे फांसे, तो धन तरे फांसे हो, अरे मोरी धाना सच साची दे त्यो बताए, नहीं तो सिरे काटबे, नहीं तो सिरे काटबे हो। दूल्हा कहता है, उसका पति कहता है कि सही से बताओ ये बच्चा कहाँ से आया, नहीं तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। अरे चीन ले वो हाथ के अंगुठिया हो, छीन ले ओ हाथ के काटरिया, अरे हाथ के काटरिया, अरे हाथ के अंगुटिया हो, हाथ के अंगुटिया हो, हो मोरे राजा छीन ले ओ मोहन मलवा, अरे हाथ के अंगुटिया, अरे हाथ के अंगुठिया हो। तो जब वो छीन लेता है कि अंगूठी, जब उसने जो दी थी और मोहन माला जो दिया था और जो कटार दिया था, तो वो समझ जाता कि अच्छा तो ये तो वही स्त्री है जो हमारे पास रह के आई है। तो चूमई ना रानी तोरे मुखवा हो, चाउरे आसे दतवा हो, अपने पत्नी का मुखड़ा चूमने लगता है जिसके चावल की तरीके से छोटे छोटे सुंदर सुंदर दांत हैं। तो पति जो है, चूमहु ना रानी तोरे मुखवा, तो चौरे आसे दतवा हो, चौरे आसे दतवा हो, ओ रानी हम ही छले तुम्हें लायू, हम ही छले लायू हम। पति कहता कि तुम तो बड़ी होशियार निकली, तुम हमको तो छल के चली आई हो। एक कूल राख्यो तू लाजे नहीं हर, पत्नी कहती उस समय लाज और मान सम्मान का बड़ा महत्व होता था और ये सारी जिम्मेदारी स्त्री के सर पे होता था।
तो स्त्री क्या कहती है, एक कुल राखियो तो लाजे नहीं हर, एक कुल राखियो लाजे नहीं हर, दूसरे कुले ससुरे दूसरे कुले सासुरे हो मुरे राजा, राख्यो अपने हरि के पगड़िया चाउते आ कुले अपन चाउते कुले अपन। चार कुलों का मान उसने रखा, अपने नैहर का, अपने ससुराल का और अपने हरि के, अपनी पति की जो पगड़ी है वो समाज में उछलने ना पाए, और उसने अपना मान अपना सम्मान भी उसने नहीं खोया। तो वो ये कहती है, एक कुल राख्यो नैहर का, एक कुले लाज राख्यो नैहर, दूसरे कुले सासुर, दूसरे कुले सासुर हो मोरे राजा, राख्यो हो लाज अरे मोरे राजा, राख्यो अपने हर के पगड़िया चौते कुले अपन, चौते कुले अपन हो। तो ये कहानी है और ये सोहर कई कई दशक पुराना है। शायद हो सकता है कि ये जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय का है, तो मैंने आपके सामने सुनाया।